इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत इच नहीं है, सोने को इनके पास करवट इच नहीं है, अच्छी खासी इनकी परवरिश नहीं है, जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है। छाने बनते मार्केटिंग पे गेम इनका चलता है, बगैर पैसे लगाए इनका फेम नहीं चलता है, अपना खेल भलता है ऑर्गेनिक पे ही चलता है, ना लगाता पैसा मैं किसी को बताना, जरूरत इच नहीं है, ये पटेली मार के चढ़ते जिस पे पर्वत इच नहीं है, मुझे जरूरत इच नहीं है। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, और इसी के साथ हम आगे आ जाओ और एक नए गेम प्ले लेके पबजी मोबाइल को ऑब्वियसली। और भाई देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले भाई पहले जो स्क्वाड देखा इस बात के लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि भाई हम भाई बहुत कोशिश करके ऐसे सब्सक्राइब करते रहते हैं डेली और डालते रहते हैं यूट्यूब पे, और चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई इसी के साथ आज ना भाई एक ऐसी चीज लेकर आया हूं। देखो भाई, घर बैठे ना सब लोग बोरिंग हो रहा है, मेरे को पता है, मैं भी हो रहा हूं खुद। तो भाई मेरा दोस्त एक कस्टम रूम होस्ट कर रहा है, और हाँ भाई बता दो जानकारी के लिए कि ये पेड कस्टम रूम है। तो भाई ऐसा नहीं कि पेड कर रहे हो तो भाई पैसा बिल्कुल भाई नहीं आएगा, ये नहीं कि भाई जो एंट्री फीस है ना कस्टम का, स्कॉट का कस्टम रूम है पहले बता रहा हूँ स्कॉट, और जो एंट्री फीस है वो है 200 रुपये का, और जो भाई फर्स्ट प्राइस है वो है 800 रुपये का, सेकेंड प्राइस है 600 रुपये का, और जो थर्ड प्राइस है वो है 400 रुपये का। और भाई जो पर किल 20 रुपये देगा आपको भाई, मतलब अगर आप स्कॉट के साथ खेल रहे हो, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा खेल लेते हो ना, फिर भी आपको तो 10 किल करी दोगे भाई, 4 बंदे मिलकर 200 रुपये ऐसे मिल जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा है, खेल सकते हो, घर बैठे पैसे कमा सकते हो, बता रहा हूँ इसलिए भाई, अगर जिसको खेलना है तो खेल लेना, जो डिटेल्स है पूरी वो स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लेना। अगर भाई जो इंटरेस्ट है ना आ जाना, अगर आपका दोस्त आना चाहता है उसको भी बोल देना, सबको भाई, सबको भी पैसे कमाने का मौका दे देना। तो भाई इसी के साथ भाई गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ हम आज मिलिट्री उतर गए, और इधर ना बंदे होता है, अब सबका पेलने की बारी है भाई। और इसी के साथ यहाँ पे जितने बंदे थे ना सब खत्म, अब सामने बंद है सी बिल्डिंग पे, ठीक है, रोड वाले सी बिल्डिंग पे, बीच वाले सी बिल्डिंग पे बंदे है। तो भाई मैं जो बोल रहा था कि भाई अगर कोई स्कॉर ना फास्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं आए तो भी उसको, मतलब अगर 4 बंदे मिलकर आप लोग भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 4 बंदे मिलकर अगर 10 किल कर दो ना तो 200 रुपये आपका वापस मिल जाएगा, और उससे ज़्यादा करो तो भाई और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई अगर इंटरेस्ट हो तो आ जाना, आपको दोस्त इंटरेस्ट है तो बोल देना उसको भी। और इसी के साथ भाई हम सी बिल्डिंग पे पुश कर दिए। तो भाई मैं जो बोल रहा था ना भाई, पबजी में भाई बंदा जो कैम्प कर रहा है आज भाई, ये जो रिकॉर्ड देख रहे हो ना आप लोग, ये आज वाला गेम प्ले नहीं है। आज भाई गेम खेलने के लिए बैठा था मैं, रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था, लेकिन भाई आज बंदे इतना कैम्प कर रहे हैं ना भाई एक बंदे को नॉक कर रहा है, उसके बगल में झाड़ियों में एक बंदा लेता है, बताओ भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई। और भाई इसी के साथ हमने मिलिट्री को भाई चकाचक कर दिया है, मतलब अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए भाई हमने भाई सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल मिलिट्री को जो साफ सुथरा रखा है ना हमने, बिल्कुल साफ है चारों तरफ साफ। तो भाई इसी के साथ ना नोबो में बंदे गए थे, तो हम लोग भाई कार लेके इधर से जल्दी से लूट करके कार लेके नोबो गए, लेकिन भाई नोबो पे कोई नहीं मिला, तो नोबो से हम रिटर्न कर रहे थे भाई, नोबो से रिटर्न कर रहे थे, इतने में भाई हमको बंदे मिलते हैं ओपन में, एक फुल स्क्वाड मिलता है। और भाई ये बेचारे लोग ना पता नहीं क्या कर रहे थे भाई, देखो ये लोग नोबो भी नहीं लूटा था, ठीक है, इन लोगों के पास किसी के पास हेलमेट भी नहीं था भाई, ये लोग क्या कर रहे थे इधर, एक बॉट को मार के ना भाई ऐसा तीनों लूट रहे थे ओपन में कि भाई उनको खजाना ही मिल गया है भाई, पता नहीं क्या भाई क्या ही ढूंढ रहे थे ये लोग भाई, इन लोगों के पास भाई अच्छा खासा ये हेलमेट वेस्ट कुछ नहीं था भाई, पता नहीं क्या कर रहा था। तो भाई इसी के साथ इन लोगों को मार के हम लोग निकल गए, और मेरे को तो डर लग रहा था कि भाई बीज ना कैम्प,
अगर ब्रीच कैंप होगी क्योंकि इधर बग्घी लगी थी ब्रीच पे, तो भाई असल में ब्रीच कैंप नहीं था, तो हम जल्दी से ब्रीच से निकल गए। और भाई हम गए बिल्कुल मिल्टा विल्टा सब क्रॉस करके इधर ये कंपाउंड के पास आ गए, एक कार दिखा था उसको ढूंढने के लिए, लेकिन आखिर में उसको मिलता है भाई, कार कहीं अलग मिलता है और बंदा कहीं अलग मिलता है। इस भाई बेचारे के लिए ना बुरा लग रहा है सच में भाई। भाई पता है इसका पीछा करते करते कितने दूर से हम लोगों ने आया इधर पे भाई, इसका भाई इतनी देर से इसका पीछा कर रहा था ना ये भाई, कार कहीं और छोड़ के इधर भाग के आ गए थे कि इसको ढूंढ ना पाए कोई, भाई पता नहीं इसको आखिर में कैसे ढूंढ लिया, लेकिन भाई ढूंढ लिया। तो भाई उसके बाद इसको मार के ना हम निकल रहे थे, इधर से निकल भी गए थे, लेकिन इतने में ना सामने रोड पे बिल्कुल रोड के बीचों बीच भाई दो कार आपस में रोक के हाथापाई पे उतर गया था भाई। भाई वो बंदा खुद लड़े जा रहे थे लेकिन हम भी भाई बीच में से घुस गए। Enemy spotted. For real this time. Real this time. हमने भाई बीच में से अपना उंगली घुसा के ना जो स्क्वाड भाई रोड के बीचों बीच भाई धाता भाई पे उतर गया था उनको भाई बड़े आसानी से मार दिया। और भाई इसी के साथ इतने में मेरे को नोटिस होता है कि भाई हमारे पीछे से एक डार्सिया जा रही है, तो भाई ये डार्सिया ना उधर से कार चेंज करने के लिए उतरता है लेकिन वो कार में फ्यूल नहीं होता है और भाई फिर से डार्सिया पे बैठ के जाने लगता है, लेकिन उस बंदे को पकड़ लेता हूँ। भाई देखो ये वाला कंपाउंड पे चक्कर लगा के फिर से हमारे साथ ट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बंदा। वाह भाई हाँ हाँ भाई सही बहुत सही। नहीं भाई इधर से ना ये बंदे को मारने के बाद भाई मेरे को गेम खेलने का और मूड ही नहीं था भाई, इतना बेचारे भाई इतना निर्दय कौन होता है भाई, ऐसे कौन मारता है भाई, ये टीममेट भाई बिल्कुल भाई बेशरम है। तो भाई इसी के साथ और एक भाई स्क्वाड दिखता है हमको, भाई एक कार जा रही थी सामने से तो उनका भी पीछे पड़ के मैं तो बोल रहा था कि भगाओ भाई तुम भाई फुल स्पीड भगा लो, धूम 8 का शूटिंग कर लो, लेकिन इनको मारना ही है। भाई कभी कभी ना भाई कभी कभी बंदे ऐसे कैम करते हैं भाई, एक बंदा बाहर एक बंदा अंदर, मतलब क्या चल, और एक बंदा तो कहीं दूसरे कंपाउंड से मार रहा है, मतलब भाई देखो जोन के बाहर है वो जोन के अंदर ही नहीं है भाई, कहाँ से मार रहा है मेरे को भी पता नहीं भाई क्या चल रहा था यहाँ पे। देखो मैं तो भाई एक किल उठा लिया और भाई इसी के साथ जो मेरे को पीछे से M24 सप्रे से डैमेज दिया ना उसको ढूंढ रहा था कि भाई मेरा खोपड़ी तुमने तो फोड़ दिया है, अब तुम्हारा खोपड़ी खोलने का बारी है, क्योंकि भाई देखो मैं सीधा भाई फिनिश करूंगा लॉबी भेजूंगा, खोपड़ी खोलने का कोई चांस ही नहीं इधर। तो भाई कार लेके ना मैं इधर पे आ गया और इधर से बंदे स्पॉट करने का सोच रहा था, लेकिन भाई इधर कूदते कूदते बंदे तो मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को मिलता है भाई बहुत सारा घास और कुछ नहीं मिलता,
अब जिसमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ घास मिलता, वो बंदा स्पॉट भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ चला जाता है भाई। और इसी के साथ इतने में देखते देखते मेरा टीममेट बताता है कि भाई पीछे बंदे आ चुके हैं, हमारे पीछे बंदा है, इधर मत लो, सामने चलो, पीछे मतलब उनके सामने, हमारे मेरे पीछे। वाह भाई, मैं 10 HP कर दूं उसके बाद आके भाई किल चोरी कर लो। नहीं नहीं भाई, ये दिन देखने के लिए तो बाकी रह गया था भाई। नहीं नहीं, ये दिन देखना बाकी था मेरे को। और देखो भाई साहब कहाँ पे लेटर, आज कल ना बंदे इतना हद कैम कर रहे हैं भाई। भाई जब से COVID-19 आया ना, बंदे जो कैम करने लग गए भाई, बंदे नहीं मिलते, बंदे कहीं और ही कैम करते। और ये देखो, एक बंदा तो जोन के बाहर ही मर के हमको चिकन दे था। मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है पबजी में। जोन के बाहर कौन मारता है भाई? भाई जोन के बाहर, भाई जोन के बाहर कौन मरता है? तो भाई इसी के साथ, अगर वो कस्टम खेलना है तो आ जाना भाई, खेल लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।